नमस्कार, हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम पांडे एंड आई एम फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश। वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट BFSC बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, द ओनली प्रोफेशनल कोर्स कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ फिशरीज। एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट ऑल द important information about 4 years degree course BFSC Bachelor of Fisheries Science. So BFSC is a 4-year degree course which is governed by the guideline of Indian Council of Agriculture Research ICAR New Delhi. At present there are 30 fisheries colleges in various states of the country which are running under the various central agriculture universities and state agriculture universities, veterinary universities and fisheries universities. आज मैं इस वीडियो में आपको 4 वर्षीय कोर्स मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में 4 वर्षीय कोर्स BFSC बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस के बारे में बताऊंगा, जो कि एकमात्र प्रोफेशनल कोर्स भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की गाइडलाइन से रनिंग हो रहा है। वर्तमान में हमारे देश में 30 लगभग फिशरीज के BFSC के लगभग 30 ऐसे कॉलेज हैं जो कि विभिन्न प्रदेश और केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और केंद्रीय पशुपालन और केंद्रीय मत्स्य मात्स्यिकी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित हैं और ये कॉलेज 4 वर्षीय BFSC की डिग्री हमको प्रदान करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल इन अ सिंपल लैंग्वेज। यू ऑल नो अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन, यू ऑल नो अबाउट व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन रिवॉल्यूशन इन द सेक्टर ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड फार्म वेलफेयर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन दिस सेक्टर। सो आप सब जानते होंगे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के बारे में। ये 3 मुख्य प्रकार की क्रांतियाँ हैं जो हमारे देश में किसान कल्याण और खाद्य उत्पादन के साथ तकनीकी शिक्षण के लिए संचालित है। नाउ फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन वेरियस रिवॉल्यूशन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज आर रनिंग बाय द ICAR एंड अदर स्टेट अथॉरिटीज, एजुकेशनल अथॉरिटीज। इन 3 मुख्य क्रांतियों के लिए और इनकी शिक्षण में तकनीकी विकास के लिए विभिन्न प्रकार के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं। सो इन दिस टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन मेनली 3, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन BSc AG, BTEC AG, BSc फॉरेस्ट्री, BSc हॉर्टिकल्चर एंड अदर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। एंड इन व्हाइट रिवॉल्यूशन देयर आर BSc बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंड आवर मेन फोकस ऑन ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ओनली 1 प्रोफेशनल कोर्स विच आर रनिंग अंडर द ब्लू रिवॉल्यूशन, इट इज BFSC, 4 years BFSC एंड समवेयर ऑल्सो फिशरीज डिप्लोमा, पोस्ट हार्वेस्ट डिप्लोमा इन फिशरीज आर रनिंग, बट द मेन प्रोफेशनल डिग्री कोर्स 4 years डिग्री कोर्स इज ओनली BFSC। डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ब्लू रिवॉल्यूशन। तो हमारे यहाँ नीली क्रांति के जो संस्थापक हैं, जो फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं, वो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन जाने जाते हैं। सो द BFSC कोर्स, BFSC 4-year डिग्री कोर्स हैज बीन स्टार्टेड अंडर द ब्लू रिवॉल्यूशन विद द एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर एंड फार्मर वेलफेयर एंड ऑल्सो इंक्रीज द टेक्निकल एजुकेशन इन फिशरीज सेक्टर। जो BFSC की स्थापना, BFSC कोर्स जो संचालित किया गया है, वो किसान कल्याण, मत्स्य पालन के क्षेत्र में किसान कल्याण और तकनीकी शिक्षण के विकास से संचालित किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू ICAR 5th डीन कमेटी अंडर द ए डिपार्टमेंट देयर आर 59 क्रेडिट एंड 2 कंपलसरी नॉन क्रेडिट कोर्स आर रनिंग। सो ये जो 8 डिपार्टमेंट हैं, इन्हीं के अंतर्गत विभिन्न सब्जेक्ट अभी ICAR की 5th डीन कमेटी के अनुसार लगभग 59 ऐसे क्रेडिट सब्जेक्ट्स हैं जो संचालित हैं और जो सेमेस्टर वाइज डिवीजन है। दिस 4-year प्रोफेशनल डिग्री कोर्स आल्सो इंक्लूड्स मेनी टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल, मेनी टाइप्स ऑफ फील्ड वर्क्स, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक पोस्ट हार्वेस्ट एंड रावे रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर
tours, other tours and visiting like farmer area, field and others. तो इस चार वर्षीय BFSC कोर्स में academic session के अलावा आपको प्रायोगिक कोर्स भी मिलेंगे, आपको सेमिनार्स, प्रैक्टिकल्स, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस जैसे रावे जिसको कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आपने सुना होगा BSCAG और अदर फील्ड में रावे का नाम आता है, तो पोस्ट हार्वेस्ट की ट्रेनिंग है, तो कई ट्रेनिंग नॉन केवल एकेडमिक सेशन नहीं, आपको एकेडमिक सेशन के साथ ही कई प्रायोगिक गतिविधियाँ, फील्ड का नॉलेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और देश के बड़े बड़े मत्स्य संस्थान जैसे कि CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई और सीफा है, निफेट है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और जो फिशरीज के जो अभी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अपने देश के फिशरीज के उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में ब्रीफ नॉलेज आपको दूंगा कि कितने इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश में, कितने कॉलेज हैं और क्या क्या काम करते हैं, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में जरूर उठाएंगे। तो ये आज जो कंप्लीट नॉलेज है BFSC के बारे में कि BFSC क्या है, आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए BFSC के लिए वो होता है 10+12 और साइंस ग्रुप यानी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपका बेसिक 10th और 12th के साथ बेसिक आपका क्वालिफिकेशन बायो साइंस ग्रुप पे होना चाहिए, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो 12th का आपका जो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए। और आप इसमें एडमिशन कैसे लेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में अगर आपको फिशरीज के लिए आपको BFSC करना है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट के नाम से होता है। ऐसे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो यूनिवर्सिटीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ली जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको जो पूरी भी जो ऊपर का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है BFSC के बारे में उसके बारे में आप सबको बताया है, और अलग से जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं BFSC के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं और अपने देश में जो बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ मत्स्य पालन और फिशरीज के बारे में रिसर्च होती है उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।